दोस्तों हम इंडियंस जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजाक पसंद लोग हैं और हम लोग मजाक को मजाक के तौर पे लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई हमारे देश के फूड्स को लेके, हमारे लोगों को लेके दुनिया भर में हमारे लोगों की बेइज्जती करे, हमारे फूड्स की बेइज्जती करे और हमारे लोगों की, इंडियंस की बेइज्जती दुनिया भर में करे, तो ये हम लोग शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक पेज दिखाने वाला हूं। दरअसल ये पेज जो है लैटिन अमेरिकन किसी कंट्री से ऑपरेट होता है और ये इंडियन फूड की, इंडियन लोगों की बहुत ही भद्दा तरीके से मजाक उड़ा रहा है लगातार अपने वीडियोज़ में। और यहाँ पे दुनिया भर से लोग आके इसके वीडियोज़ में कमेंट्स करते हैं और वो लोग भी इंडियंस की मजाक उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये पेज दिखाता हूँ और आप जाके इस पेज में सारे वीडियोज़ देखें, आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से इंडियंस की और इंडियंस फूड की मजाक उड़ा रहा है और इंडियंस का एक गलत इमेज दुनिया भर में पोर्ट्रेट कर रहा है। दोस्तों दरअसल ये पेज है इल जिमोटे, दरअसल ये लैटिन अमेरिकन किसी कंट्री से है। उस कंट्री का कोई गलती नहीं है, मैं कोई उस कंट्री के लोगों के लिए भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ ये पेज जो है आप अगर देखेंगे, इसका हर वीडियो में इंडियन फूड की जो है आप देख सकते हैं मजाक उड़ाया जा रहा है और इंडियन लोगों की, यहाँ पे जो है इंडियन लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा चीज़ें जो है नहीं प्ले कर सकता हूँ कॉपीराइट इशू की वजह से, बट आप एक एक आप जाके इस पेज में, यहाँ पे नाम देख ले, इस पेज में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा और यहाँ पे कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का वीडियो बना रहा है, किस तरह से हम भारतीय की इमेज को दुनिया भर में जो है ख़राब कर रहा है। दोस्तों मैं इसका बोली तो नहीं बोल पाऊँगा, अगर कोई इसका भाषा जानता है तो जाके कमेंट करें और बताए कि हम भारतीय जो है इन लोगों से काफ़ी पहले सिविलाइज्ड हुए थे। अगर ये गूगल करेगा जाके कि सबसे पुराने सिविलाइजेशन, तो उसमें से हम भारत का नाम भी आएगा कि हम लोग सबसे पुराने सिविलाइजेशन में एक थे। तो शायद इन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि ये लोग जब जंगलों में खाना खा रहे थे, जंगलों में बिना कपड़े के घूम रहे थे, तब हम भारतीय खाना खा चुके थे पका के, हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे थे, हम सिविलाइज्ड हो चुके थे। तो ये लोग हमारा मजाक उड़ाना बंद करें। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक पहुँचे और लोग जाके इसके पेज में, दुनिया भर के लोग जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वहाँ पे जाके कमेंट करें और लोग जाने इसके बारे में जो ये जो है। मुझे इसके पेज में अभी तक किसी इंडियन की कमेंट नहीं मिला है, शायद एक दो हो, मेरे जहन से छूट गया हो या फिर मैंने देखा नहीं हो। मैक्सिमम अदर कंट्री के लोग और वो लोग भी आके इंडियन की जो है बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में इस तरह के इंडियन फूड्स को इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि हम बहुत ही अनहाइजेनिक खाना खाते हैं, हम बहुत ही अनहाइजेनिक तरीके से रहते हैं, हम जो है खाना जब खाते हैं तब अलग अलग वे में, मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मतलब टोटली एक बहुत ही गंदा इंडिया का इमेज जो है ये अपने वीडियोस में पोर्ट्रेट कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग जाए और अपनी भाषा में इसको रिप्लाई दे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जाके आप इसको रिपोर्ट करें या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जाके इसको इसकी भाषा में जवाब दे कि ये इंडियन खाने की बेइज्जती और इंडियन लोगों की बेइज्जती जो है इस तरह से ना करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जाएंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे और इसको इसकी भाषा में ही जवाब देंगे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी इस तरह का कंटेंट क्रिएटर इसको जवाब नहीं दिया है। तो मैं चाहता हूं आप लोग जो है इसको इसकी ही भाषा में जवाब दें। इसका पेज का नाम है इल जिमोटे और ये कंटिन्यूअसली इंडियन फूड्स की, जो इंडियन फूड ब्लॉगर जो स्ट्रीट फूड वगैरह दिखाते हैं उनकी जो है बहुत ही गंदा तरीके से उनकी मजाक उड़ाया जा रहा है, इंडियन लोगों की खासकर मजाक उड़ाया जा रहा है। और कमेंट जो आ रहे हैं वो दोस्तों और भी ज़्यादा गंदे हैं और वो इंडियन लोगों के, हर कमेंट्स में इंडियन लोगों की मजाक उड़ाया जा रहा है इस पेज में। तो उम्मीद है आप लोगों का इतना तो फ़र्ज़ बनेगा कि इस वीडियो को शेयर करके जो है दुनिया भर में जो ये लोग किरकिरी कर रहे हैं इंडियन इमेज की, जो इस तरह से है नहीं, हम बहुत ही हाइजीन पसंद लोग हैं, हम बहुत पहले सिविलाइज्ड हुए हैं और हम जो है उनसे पहले जो है काफ़ी साल पहले हम लोग सिविलाइज्ड हो गए थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग उनका देश कुछ गलत नहीं, लेकिन वो जो हमारे इंडिया के इमेज को पोर्ट्रेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि हम बहुत पहले सिविलाइज्ड हो चुके हैं, जब तुम लोग खाना सीखे भी नहीं थे, कच्चा खाते थे तब हम लोग सिविलाइज्ड हो चुके थे।